नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग तोशिबा का फॉल्ट देखने वाले हैं जिसके अंदर नो पिक्चर का प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने प्लग इन किया और बैकलाइट जल गया। अब देखते हैं पिक्चर आता है या नहीं आता है, वो देख लेते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकलाइट जल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही नो सिग्नल देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। तो यहाँ पर मदरबोर्ड की वजह से कभी कभी ये फॉल्ट आता है, लेकिन पहले हम पैनल की सप्लाई सब चेक करेंगे, उसके बाद हम मदरबोर्ड पर जाएंगे। अगर पैनल पर सारे हमको गलती मिल जाती है या कोई फॉल्ट मिल जाता है तो मदरबोर्ड आपका ओके रहेगा। तो जैसे कि हमने, आप देख सकते हो यहाँ पर एक डीसी डीसी आईसी लगी है जो कि CMO501 है। उसके बगल में एक 8 लेग का मॉसफेट लगा है जो कि AVDD वोल्टेज बनाने के काम आता है। ओके, तो ये आपकी डीसी डीसी आईसी होगी। अभी हम देखते हैं टीकॉन आईसी, टाइमिंग कंट्रोल आईसी। ये इसका टाइमिंग कंट्रोल, जिसको बोलते हैं टीकॉन डेटा लाइन। इसके अंदर ये होता है प्लस ही 3.3 और 1.2 वोल्ट की सप्लाई इसको चलने के लिए चाहिए रहता है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करेंगे कि 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब इसके ऊपर देखो, वाइट कलर का फ्यूज लगा हुआ है, वहाँ पर हम लोग 12 वोल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर 12 वोल्ट प्रेजेंट है, मतलब आपकी जो सप्लाई इनपुट है सही है। 3.3 वोल्ट चेक करेंगे, 3.3 ओके है। ओके, नेक्स्ट सप्लाई हमारा है इस रेगुलेटर पर जो 3 लेग का लगा हुआ है, वहाँ पर 3.3 इनपुट, 1.2 या 1.1 वोल्ट आउटपुट होता है। तो यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट इनपुट है और 1.2 वोल्ट आउटपुट है। ये दोनों वोल्टेज जाके टीकॉन आईसी से जाती है। उसके बाद टीकॉन आईसी इनेबल देता है कि बाकी का सप्लाई बनाओ, मतलब AVDD VGS ये सब। तो अभी हम AVDD चेक कर लेते हैं। तो AVDD वोल्टेज यहाँ पर 0.19 दिख रहा है, ये तो गलत है। और VGS देखते हैं तो VGS भी सप्लाई नहीं है, मतलब AVDD भी नहीं है, VGS भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट काम है कि हम लोग इसका IC का इनेबल सिग्नल चेक करें, जो कि इनेबल हम एक PDF को आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनेबल इसके पिन नंबर 9 पे आता है, CMO501 के पिन नंबर 9 पे इनेबल 3.3 वोल्ट आता है। अब हम वो चेक करते हैं पिन गिन के। तो यहाँ पर काउंट किया जा रहा है पिन। तो यहाँ पर 1.2 ये दूसरी सप्लाई है, ये नहीं है, ये अलग सप्लाई है। तो यहाँ पर देखिए पिन नंबर 9 के ऊपर कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ पर 0 वोल्ट है। ठीक है, 0 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, इसीलिए अब ये हमारा टीकॉन आईसी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये इनेबल सिग्नल नहीं दे रहा है। तो हमको इधर उधर टाइम पास ना करके हमको टीकॉन आईसी सीधा का सीधा रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैंने साइड से पेस्ट लगा दिया है। ओके, तो अब मैं इसको हीट करके आईसी को निकालता हूँ, क्योंकि इनेबल सिग्नल आईसी देती है। अगर इस पे 3.3 1.1 वोल्ट प्रेजेंट है और ये आईसी इनेबल सिग्नल नहीं दे रहा है तो ये आईसी फॉल्ट होता है, ये इसके अंदर कॉमन फॉल्ट है। आप डीसी डीसी आईसी को रिप्लेस ना कीजिए। और कितने लोग होते हैं कि सीधा डीसी डीसी आईसी रिप्लेस कर देंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होगा उनका? तो ऐसा नहीं, जब से आपको सही नॉलेज नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप डीसी डीसी आईसी रिप्लेस करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। फॉल्ट यहाँ पर टीकॉन आईसी का है, क्योंकि टीकॉन आईसी इनेबल सिग्नल नहीं दे रहा है। तो अब मैं टीकॉन आईसी को निकाल लेता हूँ। केयरफुली आपको निकालना है और इसके लेग टेढ़े ना हो और एकदम बारीकी से निकालना है, और चिमटी एकदम बारीक वाले रहे जिससे इसके लेग के ऊपर ज़्यादा जोर ना पड़े, नहीं तो इसके लेग टेढ़े होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है, हो सकते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अब इसको बारीकी से मुझे उठाना है, मैं इसको इसलिए आराम से पकड़ रहा हूँ ताकि इसके लेग मुड़ ना जाए या टेढ़ ना हो जाए। अब ये आईसी निकल चुकी है, अब हम दूसरी आईसी इसके बदले लगाएंगे। तो ये आईसी बहुत ही कॉमन है, तो मेरे पास एक और पीसीबी पड़ा है जिसके अंदर ये आईसी लगी हुई है। तो इस आईसी को मैं उठा के वहाँ पर लगाने वाला हूँ। इसका देखो, देखिए नंबर क्या है, CMO, आप देख सकते हो 180। ठीक है, तो यहाँ -1B करके है, तो ये सेम आईसी है। तो इसी आईसी को हमको वहाँ पर लगाना है। तो मैं पहले साइड साइड से पेस्ट लगा देता हूँ। पेस्ट लगाने के बाद में इसको आपको ब्लोअर से हीट मार के आपको इस आईसी को निकाल लेना है बाहर। और निकालने के बाद में अगर इसके लेग्स में शोल्डर लगे हैं तो उसको निकालते आपको नहीं बैठना है। ओके, अगर आप उसको निकालते बैठोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाएगा और लेग इसके टेढ़े होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे आईसी निकलती है थोड़ा टाइम वेट कीजिए ठंडा होने का आईसी को, उसके बाद आईसी को एज इट इज़ लगा दीजिए। लेग टू लेग बैठना चाहिए बस, बाद में हम इसका शोल्डर निकालेंगे। अभी देखो इसके लेग में शोल्डर लगा हुआ है, लेकिन अभी उसको हमको निकालना नहीं है, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इस आईसी को थोड़ा सा ही थोड़ा इसका जो हीट है वो थोड़ा कूल होने दो इसको, उसके बाद में हमको एज इट इज़ इसको बिठा देना है।
अब मुझे लेग टू लेग बिठाना है इसको है। पहले मैं ऐसे सेट कर देता हूँ, एक रफली इसको सेट कर दिया हूँ, और हिट मार के धीरे धीरे आपको चिमटी के साथ सारे इसको लेग टू लेग बिठाना है। पिन नंबर वन और पिन नंबर लास्ट एक जगह का कांटेक्ट आपको देख लेना है। और ये आईसी जब प्रॉपर बैठेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना चाहिए, प्रॉपर बैठेगा तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि आपको लेग टू लेग बैठ गया। अब यहाँ पर हल्का सा आईसी पकड़ लिया है, अब मुझे इसको साइड साइड से पेस्ट लगाने हैं। पेस्ट लगा के जो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस है इसको वो ठीक करना पड़ेगा। देखो लेग में शोल्डर लगे हुए, मैंने शोल्डर निकालने का ट्राई नहीं किया अभी तक, वो मैं बाद में करूँगा। अभी पहले आईसी को उसके लेग टू लेग बिठा लेने दो, उसके बाद में मैं उस जो लगा हुआ शोल्डर को निकालने का ट्राई करूँगा। ओके, अभी मेरा मेन मकसद क्या है, पहले आईसी को उसके लेग टू लेग बिठाना है। और आपको ज़्यादा हीट लगातार नहीं देना है, थोड़ा हीट देना है फिर से रोक देना है ऐसा, नहीं तो आपके जो पीसीबी है, सिंगल लेयर की पीसीबी है आपका, ये फूक जाएगा। इसीलिए आपको टेम्परेचर का भी ध्यान रखना, नहीं तो एक बार फूक गया पीसीबी तो आपको आईसी प्रॉपर बैठेगी नहीं। इसीलिए हीट दीजिए थोड़ा टाइम, फिर अगर नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, उठा लीजिए आयरन से, मतलब आपका ब्लोअर है बाहर ले लीजिए, फिर थोड़ा टाइम बाद फिर हीट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लेग टू लेग बैठ गया है, लेकिन शोल्डर लेग्स में लगे हुए हैं, मतलब आपस में शॉर्ट दिखा रहे हैं। अब इसको हमको बारीक वाले आयरन से इसके सभी लेगों को जो शॉर्ट हुए हैं उनको सभी निकालना है, शोल्डर को, जो एक्स्ट्रा शोल्डर जो इसको बोलते हैं हम। और उससे निकालते समय क्या होगा कि आपकी आईसी जो इसके लेग्स नहीं पकड़े रहेंगे वो भी आपका पकड़ लेगा। ठीक है, अभी देखते हैं। अब देखिए इसको आपको इस तरह से बारीक वाले आयरन से आपको अच्छे से सभी शोल्डर को जो चिपके हुए हैं इसके लेग्स हैं उसको निकालना है, और पेस्ट लगा के निकालना है। ऐसे नहीं आप जबरदस्ती निकालने जाओगे तो निकलेगा नहीं और उसका उसके अंदर चिपन जाएंगे, इसीलिए पेस्ट लगाना है आपको है बारीकी से। और उसके बाद देखो आसानी से निकल गए। वैसे आप निकालने जाओगे तो लेग टेढ़े हो जाएंगे, इधर उधर छटकेंगे, अगर एक बार लेग टेढ़े होंगे तो बैठे तो नहीं है जल्दी। तो इसीलिए पहले आपको आईसी को बिठा लेना है, उसके बाद में उसके लेग्स को जो शोल्डर लगे हुए हैं उसको आपको बारीकी से निकालना है। अब देखिए एक साइड का आपका क्लियर हो गया, इस तरह से हम लोग दूसरे साइड का निकालेंगे। ऊपर का निकालने में थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि उसका जो डाउन साइड है और शोल्डर आपको अप साइड खींचना है, थोड़ा उसके अंदर टाइम जाएगा और नीचे साइड का फटाफट निकलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। नीचे का और साइड साइड का जो है अच्छे से निकल जाता है, लेकिन ऊपर साइड का जो ग्रेविटी होता है वो हमेशा डाउन साइड होता है, तो और आपको खींचना किस तरह है शोल्डर ऊपर साइड, तो इसीलिए थोड़ा उसमें टाइम जाता है। और आपको बीट हमेशा साफ करते रहना है, अगर बीट आप साफ नहीं करोगे तो उसके शोल्डर उसमें लगे रहेंगे तो आपको दिक्कत देगा, बार बार वो चफनेगा। इसीलिए आपको उसके जो बीट्स है किसी कपड़े पर रगड़ लेना है ताकि उसके जो है जो लगे हुए शोल्डर आप खींच रहे शोल्डर वो अच्छी तरह से वहाँ पर क्लीन हो जाए, फिर से वो नए तरीके से फ्रेश होके आए और फिर से वो शोल्डर को खींचे। ओके, आपको इसी तरह से निकालना है, अगर आप बार बार उसी को क्लीन नहीं करोगे तो वो दिक्कत देगा आपको और आयरन जो शोल्डर हो वो निकलेगा नहीं आयरन से। ओके, इसीलिए आपको, और ये निकालते समय आपको आजू बाजू की जो रेजिस्टेंस है उसका ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस कोई ना निकले। ओके, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना, ना रेजिस्टेंस ना पीएफ, आजू बाजू का आपको डिस्टर्ब कोई कंपोनेंट नहीं करना है, बस इतना सीधी सी बात है। अब देखिए दोनों साइड का निकल चुका है, अब मैं एक बार क्लीनिंग कर देता हूँ उसको। क्लीनिंग मतलब पेस्ट लगा के उसको एक बार फिर से सारे लेग को अच्छे से रिज्वाइन कर देता हूँ ताकि अच्छे से उसके लेग ज्वाइन हो जाए। अब ऊपर के, अब ऊपर का निकालने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ है और हम लोग शोल्डर खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा वहाँ से दिक्कत होगा लेकिन निकलेगा वो भी। अभी मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज करूंगा और आपको जो दोनों साइड के शोल्डर है उसको निकाल के फिर आपको मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, और निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आईसी लेग टू लेग बैठी हुई है। ओके, तो अभी मैं इसको निकालने ट्राई कर रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि वो नीचे ऊपर साइड में हमको खींचना है और इस साइड का अभी भी निकालना बाकी है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा उसकी वजह से, तो इसीलिए चलिए अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ।
अभी देख सकते हो आप एकदम क्लीन हो गया है और लेग टू लेग आईसी एकदम बैठ चुकी है। आपको मैं इसको दिखा देता हूँ मैग्नीफाई ग्लास से, आप देख सकते हो कि इस तरह से आईसी प्रॉपर तरीके से एकदम बैठ चुकी है। और मैं साइड साइड से फिंगर से क्लीन भी कर दिया हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि हम टीवी को ऑन करें और बाकी के वोल्टेजेस को चेक करें, वोल्टेजेस आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ओके, तो चलिए, हमने वहाँ पर भी सेट को ऑन करेंगे और सेट को मैंने यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, तो सेट को मैंने ऑन कर दिया। अब सारे के सारे वोल्टेजेस को हम लोग चेक करेंगे। 12 वोल्ट प्रेजेंट है, 3.3 वोल्ट परफेक्ट है, एवीडी सप्लाई चेक कर लेते हैं। एवीडी 17 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद में वीजीएस चेक करेंगे। वीजीएस हमारा 30 वोल्ट के आसपास है, ये ओके है। 12 वोल्ट का पैनल है तो 28, 30 वोल्ट, 25 वोल्ट ऐसे होता है। अब हम पिक्चर देखते हैं कि पिक्चर में क्या है, पिक्चर आया है या नो सिग्नल, कुछ तो लिखा हुआ है, ब्लू स्क्रीन आया है। तो मेरा यहाँ पर ब्लू स्क्रीन आपको दिखने को दिख गया है, ठीक है, मिल रहा है कि मेरा टीवी जो है ब्लू स्क्रीन आया, मतलब आपका हमारा पैनल के वोल्टेज ओके हो गए हैं। अब हमको पिक्चर लगा के सिर्फ देखने की ज़रूरत है। अब हम दूसरे साथ साथ देखते हैं कि हमारा इनेबल सिग्नल जो हमारा टीकॉन आईसी भेजता है डीसी डीसी आईसी को, वो आया है या नहीं आया है वो भी चेक करें, क्योंकि यहाँ पर हमारा वोल्टेज तो बन गया है। लेकिन अब हम आपको इनेबल चेक करके दिखाते हैं जो कि पिन नंबर इसके 9 पे आएगा। तो 3.3 वोल्ट इसके पिन नंबर 9 पे आएगा। ये देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमको देखने को मिल गया इसके पिन नंबर 9 पे, मतलब इनेबल सिग्नल जो हमारा टीकॉन